फुकेट में ज्यादातर इंडियंस आते हैं पटोंग बीच पर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आए यहाँ के करोन बीच पर। करोन बीच पर आपको वो वाइट सैंड मिलेगी और बिल्कुल बढ़िया वाली रेत यहाँ पर है, महीन वाली, और यहाँ पर आपको फॉरेनर्स वगैरह भी खूब सारे दिखेंगे। मतलब वो बीच वाली वाइब्स जो होती है वो यहाँ पर आपको आकर मिल जाएगी। इंडियन क्राउड यहाँ पर काफ़ी कम होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अब आपको बता दिया है तो यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पर आप आराम से चिल करें। और यहाँ का जो कलर भी है पानी का, वो आपको वो ब्लूइश वाला दिख जाएगा। इस बीच पर आप कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं फुकेट की नाइट लाइफ देखने, जो होती है यहाँ के पटोंग बीच के पास बने बांग्ला मार्केट में। फुकेट की नाइट लाइफ की जब बात होती है तो हम पहुंचते हैं बांग्ला मार्केट में, जो कि पटोंग बीच के ठीक सामने पड़ता है। और मेरे आसपास इतना शोरगुल सुनकर आपको यहाँ की नाइट लाइफ का अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ पर बार है, क्लब है, डिस्क है, एडल्ट नाइट लाइफ है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो आप पे डिपेंड करता है अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। हालाँकि हर तरह के लोग आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं, बट एक तरह से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं एडल्ट लोगों के लिए, तो वो भी है। और बाकी फैमिली के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हनीमून पर आ रहे हैं, तो आप कपल ऐसे यहाँ पर घूम सकते हैं, जस्ट वॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाइट लाइफ ऐसी है कि आए ज़रूर, और आपकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी मज़ा ज़रूर यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट, क्लब, बार में ड्रिंक वगैरह करना चाहते हैं तो वो सारी सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। पर मज़ा आएगा, थोड़ी खर्चीली होगी पर एंजॉय करोगे आप। फुकेट की नाइट लाइफ बैंकॉक और पटाया की कंपैरिजन में कॉस्टली होती है, लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड और क्लास भी वहाँ के कंपैरिजन में हाई होता है। हालांकि क्लब या बार में बैठ के बस बियर पीने वालों के लिए यहाँ 150 से 200 रुपए में एक बियर भी मिल जाती है। फुकेट में घूमने के लिए मैंने हायर कर ली है स्कूटी, और सबसे बेस्ट होता है स्कूटी ही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, और साथ ही ये काफ़ी सस्ता माध्यम भी है घूमने का, और ये आपको मिल जाती है 200 से 300 बात में। यहाँ पर बहुत सारी शॉप है, आपको ओल्ड टाउन में भी मिल जाएगा और साथ ही आपको मिल जाएगी ये पटोंग बीच के आसपास भी। तो 200 से 300 बात यानी कि लगभग 500 से 700 में आपको पर डे के लिए स्कूटी मिल जाएगी। ये कम में भी मिल जाती है आपको अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो। स्कूटी के लिए आपका केवल पासपोर्ट जमा कराते हैं, हालांकि ये बड़ी चीज़ है पर जमा करना पड़ता है आपको, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है और मज़ा भी आता है यहाँ पर इससे घूमने में। तो फ्यूल अभी मैं भरवा रहा हूँ, और यहाँ पर प्राइस क्या है कि लगभग 100 रुपए के आसपास यहाँ पर भी पेट्रोल है, 100 रुपए पर लीटर। फुकेट में घूमने के लिए अपने पास कम से कम 3 से 4 दिन जरूर रखें। 3 दिन अगर आप एक आइलैंड विजिट करना चाहते हैं, और 4 दिन अगर आप फीफी और जेम्स पॉइंट आइलैंड दोनों कवर करना चाहते हैं। बाकी बचे हुए 2 दिनों में आप यहाँ के बीचेस और लोकल प्लेसेस के साथ नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आज की सुबह मैं जा रहा हूँ जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड मैं पहले नहीं गया हूँ, फीफी तो गया हूँ लेकिन जेम्स बॉन्ड आइलैंड नहीं गया हूँ। तो अपनी गाड़ी बाहर आ चुकी है और उसी के थ्रू जाऊँगा, पिकअप वगैरह सब है इंक्लूड, और कितना प्राइस लगता है, कैसे जाना होता है, सारी डिटेल मैं वीडियो में बताता चलूँगा। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है यहाँ पर फुकेट में वो कुछ ऐसा है, और हाँ फ्रूट्स और एक सैंडविच लिया है। हालांकि यहाँ पे राजमा है, और राजमा वैसा नहीं है अपने स्टाइल वाला, राजमा काटा राजमा एंड आलू है, और राइस है, और चाउमीन है, और बाकी कॉर्नफ्लेक्स जूस ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ब्रेड बटर वगैरह। हाँ सॉसेस, अंडा, बेकन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मतलब एक साथ में लगा दिया है तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, बाकी अपने लिए तो यही जिंदाबाद है।
जेम्स बॉन्ड आइलैंड थाईलैंड के अंडमान सी में पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए मेरी पिकअप वैन सुबह 10 बजे आ गई, जहाँ से लगभग 45 मिनट्स का सफर करके पहुँचते हैं आउपोर पियर पर, जहाँ से चलती है ये फेरी। फेरी पर मैं आ चुका हूँ और फेरी कुछ ऐसी है, पूरी पार्टी है, बोट है, गाने वाने बज रहे हैं, धीरे धीरे डांस का भी माहौल बन रहा है, ड्रिंक्स वगैरह भी नीचे मिल रही है, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है तो पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड फ्री है, और साथ ही टी कॉफ़ी भी अनलिमिटेड है, और बाकी लंच तो आगे मिलेगा ही, पर फिलहाल इसमें माहौल बहुत ही शानदार है और क्राउडेड नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 20 से 25 लोग होंगे, उससे ज़्यादा है नहीं, तो पूरी बोट है, अंदर वॉशरूम वगैरह भी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, हवा बहुत अच्छी लग रही है, धूप भी आज हल्की हल्की सी है, तो ये और भी सोने पे सुहागा हो गया है। आइलैंड के लिए मैं सुबह निकला था, वहाँ पे पहुँच गया हूँ, ये रहा जेम्स बॉन्ड आइलैंड मेरे बैक साइड में, हालांकि यहीं से नहीं वहाँ पर भी जाएंगे, इसको हालांकि बोला जाता है कोट टापू यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, और बीच में यहाँ पर थोड़ी सी जेटी बनी है, और इसके बाद अब होगा लॉन्ग बोट पर ट्रांसफ़र, मतलब इस फेरी से जाएंगे छोटी सी बोट पर, और वहाँ भी दिखाऊंगा मैं, वहाँ लगी हुई है बोट, और फिर उसके बाद पहुँचेंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड पर। आ गया हूँ मैं लॉन्ग बोट पर, कुछ इस तरह की होती है ये बोट। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टापू पर मैंने कदम रख दिया है, और यहाँ पर आधे घंटे का वक्त मिला है, 2:30 बजे निकलना है, 1 बजे का मतलब अभी 2 बज ही गए हैं, और ये यहाँ पर एंट्रेंस फीस है, ये नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस है, वी हैव टू पे दिस और इंक्लूडेड ये ऑलरेडी। ओके, तो जो हमने पैकेज लिया है, जिनसे लिया है ऑलरेडी, यहाँ की जो एंट्रेंस फीस है इंक्लूडेड है, तो ये एक अच्छी बात है कि जगह जगह पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, और आप भी ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है जिनके थ्रू मैंने ये टूर की बुकिंग कराई है। बाकी अब थोड़ा आइलैंड विजिट करते हैं। जेम्स बॉन्ड आइलैंड पर एंटर होते ही आपको कुछ शॉप्स दिखाई देंगी और फिर थोड़ी लाइमस्टोन केव्स भी। इसके बाद आता है यहाँ का छोटा सा बीच, जहाँ की ना तो सैंड बहुत क्लियर थी और ना तो वाटर, और यहाँ से थोड़ा ऊपर चल के आपको व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं, और इन सब के बाद आता है एक और बीच, और दैट्स इट, इतना ही था इस आइलैंड पर। जेम्स बॉन्ड आइलैंड पर आते ही ये एक तरह से एंड हो जाता है, क्योंकि आप मात्र 1 मिनट भी नहीं चलेंगे और आपको सामने ये बीच दिखाई देगा, और बीच कुछ ऐसा है, नहा भी सकते हैं इसमें, लेकिन जो हम लोगों ने फीफी का टूर किया था और उसमें जो बीच माया बे पर था वो बिल्कुल खूबसूरत था, ये उतना वाइट सैंड बीच नहीं है, यहाँ पे जो रेत है वो भी थोड़ी कंक्रीट वाली है, गड़ने वाली है, लेकिन यहाँ जो दूर का नज़ारा है वो बहुत प्यारा है, वो बहुत खूबसूरत है, तो हर की अपनी खूबसूरती है, उसको मिस ना करें। लेकिन आज के इस पूरे आइलैंड डे ट्रिप का असली क्रिप्स तो अब आने वाला था जेम्स बॉन्ड आइलैंड से वापस जाने के बाद। अब जा रहे हैं नेक्स्ट टूर के लिए बिस्किट खाते हुए। बैठ गए हैं अब, जय श्री राम, जय श्री राम यूट्यूबर। तो आ गए हैं अब, पर एक बड़ा रिस्की वाला चीज़ मुझे दिख रहा है, लाइफ जैकेट नहीं पहनाया इन्होंने, ये गहरा समुंदर है, आप चाहे तो पहन सकते हैं, मैंने भी ये रिकॉर्ड करने के चक्कर में पहना नहीं, ये बहुत वेस्ट यूं कर रही है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर का ये जो पूरा ट्रिप होता है ये बहुत ही अलग है, ये आप देख रहे होगे, बोट में बढ़िया सा आपको नाव में बैठा के नौकायन कराया जाता है, और ये देखो आप किस जगह पे आ गए हो,
एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही ब्यूटी, और बिल्कुल शांत है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, केवल नेचर की जो आवाज़ है, पानी की जो आवाज़ है, पत्तियों की जो आवाज़ है, वो सुनाई दे रही है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद जो था तो बस यहाँ फीलिंग थी। ये जो ट्रिप होती है ना, ये बिल्कुल रिलैक्सिंग होती है। रिलैक्सिंग इसलिए क्योंकि सुबह 10 बजे आप निकलते हो होटल से आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद दिन भर आराम से, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली ट्रिप नहीं होती है। और एक बार मुझे कैमरा फिर से इधर लेना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया है, थोड़ा सा सर बचाना पड़ेगा। ये आप देखो कहाँ कहाँ तक चली जाती है, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रिप को आप मिस ना करें। बाकी तो सब करते ही हैं, फीफी आइलैंड और अदर आइलैंड्स का टूर, पर ये अलग एक्सपीरियंस होगा और मतलब मिस नहीं करना चाहिए इसको। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पर जो खाना पीना है वेज और नॉन वेज, वो अलग अलग कर दिया गया है। जो पीछे काउंटर है उसमें वेज भी है और नॉन वेज भी मिक्स है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेजिटेरियंस के लिए अलग बनाया गया है। आपको एक नंबर मिलता है और उस नंबर के लिए यहाँ पर अलग से उन्हीं को दिया जाता है, सर्व किया जाता है। चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए ये लगा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी खाना भी यहाँ पर देखने में तो टेस्टी लग रहा है, और ऑप्शंस भी फीफी आइलैंड के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और इस पूरी रिलैक्सिंग ट्रिप में इवनिंग में बोट से आपको प्यारा सा सनसेट देखने को मिलता है, और इसके साथ ही होती है थोड़ी सी मस्ती भी। जेम्स बॉन्ड आइलैंड ट्रिप के लिए आपको लगभग 4000 से 4500 रुपए पर पर्सन देना होता है, जिसमें होटल से पिक ड्रॉप के साथ लंच और आइलैंड एंट्री फीस इंक्लूड होती है। और फॉरेन वाइब्स के साथ रिलैक्स और चिल करने वालों के लिए ये एक आइडियल ट्रिप हो सकती है। फुकेट में मैं आया हूँ डिनर के लिए, और पेट भर खाना खाने का आज मूड है, तो यहाँ पर जो डिनर के लिए प्राइस वगैरह है मेन्यू आपसे शेयर करता हूँ मैं। उसके पहले मैं मंगाया क्या हूँ ये बता देता हूँ। ये रही दाल, जो एक बाल्टी दाल है, दाल इतनी है दो लोगों के लायक, और उसी तरह चना मसाला मैंने मंगाया है, ये भी दो लोग के लायक है, और ये मंगाया है लच्छा पराठा। अब मैं प्राइसेस आपको बता देता हूँ। एक दाल फ्राई अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको लगभग मिलती है 179 बात की, लगभग कि आप ऐसे समझ लीजिए लगभग 400 से लगभग 450 की आपको दाल पड़ जाएगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर रोटी लेते हैं, एक रोटी 40 बात की लगभग आपको पड़ रही है 100 रुपए के आसपास, तो इतना रेट यहाँ पर है। एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया है। पनीर वगैरह की कोई डिश लेते हैं तो 600 से 700 रुपए की एक डिश आपको कम से कम पड़ सकती है। और ये रेस्टोरेंट है जो फुकेट का पटोंग बीच है उसके बैक साइड में, और लोकेशन मैं दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो, और यहीं पे मुझे अभी तक सबसे सस्ता मिला है। एक और थी थाली वाली, 200 बात में थाली भी मिल रही थी, वो मेरे होटल के पास है, लेकिन वहाँ पर खाना की क्वांटिटी जो थी वो शायद एक लोग लायक थी, तो आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी मैं दे दूंगा, यहाँ भी दे दूंगा, पर ये मेरे हिसाब से बेटर है, क्वांटिटी अच्छी है। तो ये ओवरऑल रेट है, बाकी खाना तो अब टेस्ट हो चाहे ना हो खाना पड़ेगा ही। फॉरेन में फॉरेन वाला फूड वेज ऑप्शन के साथ मिल जाए तो क्या बात है। और इसके लिए मैं यहाँ के एक वेगन रेस्टोरेंट में भी गया। फुकेट में वेजिटेरियन फूड की तलाश में मैं आ चुका हूँ एक वेगन रेस्टोरेंट में, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है खाने के लिए। और अब चूँकि वेजिटेरियन लोगों को चाहिए होता है ना वेज फूड, तो भाई उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए मैं पहुँच गया हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। इस रेस्टोरेंट में शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री जैसे ढेरों फूड ऑप्शंस थे।
यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट है देखने में, और बाकी इसमें एवोकाडो है और बेसल्स है और साथ ही टमाटो और चीज़ जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, और बेस भी कुछ अलग टाइप का है। टेस्ट करते हैं बाकी। क्योंकि यहाँ पे 100% ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री फूड है, तो इस वजह से टेस्ट थोड़ा अलग होगा। और लास्ट टाइम जो बैंकॉक में पिज़्ज़ा खाया था उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, वो ज़्यादा बेटर था मेरे अकॉर्डिंग, पर ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इससे कहीं बेटर मुझे लगा है ये शेक, पूरी तरह से शुगर फ्री है यहाँ पे, और मैंगो और पैशन फ्रूट का ये शेक है। इसके अलावा भी टॉर्टिला और एक और बर्गर मैंने ऑर्डर किया है। फिलहाल ये ठीक ठाक सा है, पर ट्राई कर सकते हैं। वैसे फुकेट को करीब से देखना है तो फुकेट ओल्ड टाउन भी जा सकते हैं, और कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ के बिग बुद्धा के रास्ते पर चले जाएं, जहाँ एटीवी राइड के अलावा आप एलिफेंट फीडिंग भी कर सकते हैं। और इस खूबसूरत रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़कर बिग बुद्धा स्टैचू तक भी पहुँच सकते हैं। मैं जा रहा हूँ बिग बुद्धा के लिए, और मैं जितनी बार फुकेट आया हूँ इस जगह पे जरूर गया हूँ, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत सी प्लेस है और व्यू भी बहुत खूबसूरत दिखता है। चलते हैं वहाँ तक और आपको भी दिखाता हूँ कैसा है बिग बुद्धा। बिग बुद्धा में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ आप फुल कपड़े ही पहन कर आए, अदरवाइज आपको यहाँ एंट्री के लिए यहीं से कपड़े लेने पड़ेंगे, जिस पर 400 से 500 रुपए तक खर्च हो सकता है। बिग बुद्धा तक पहुंचने के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, और उन रास्तों को क्रॉस करते हुए मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और मेरे बैक साइड यहां पर भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा विराजमान है, और इसके ठीक सामने आपको यहां पर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। पूरा समुंदर का व्यू दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है, रीज़न ये है क्योंकि थोड़ा फॉगी वॉगी सा हो रखा है, अदरवाइज़ आपको क्लियर दिखता। दूसरी चीज़, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, और महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट्स या फिर छोटे कपड़े नहीं पहने, यहाँ पर अलाउड नहीं है, और अगर आप पहनते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कपड़ा, लेकिन उसके लिए 100 से 150 बात आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सो इस बात का ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम में आएंगे तो अच्छा मौसम आपको मिलेगा, और व्यूज़ तो यहाँ पर खूबसूरत होते ही हैं। साथ ही लोग अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर थोड़ा कल्चर ट्रेडिशन कुछ फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पटोंग बीच के आसपास कई सारी स्ट्रीट मार्केट भी है, जहाँ आपको कई सारे नए तरह के फ्रूट्स भी ट्राई करने को मिलते हैं, और नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ अलग तरह के फूड भी ट्राई कर सकते हैं, और शॉपिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है। फुकेट के बाद मैं अब जाने वाला था क्राबी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्राबी ले चलूंगा और घुमाऊंगा, और यहाँ के कुछ खर्चे भी बताऊंगा। तो थाईलैंड की इस कंप्लीट सीरीज को पूरा देखना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।